Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 6, geomorphic process. Our today's topic is endogenic process. So there are two forces which are affect the landforms: endogenic forces or exogenic forces. Endogenic forces are also called the internal forces because it is happens in the interior of the earth. The process occurring by the action of forces within the earth are called endogenic process. Within the earth, तो earth के अंदर जो होंगे वो endogenic. Energy for such forces is largely generated by radioactivity. यहाँ जो energy आती है इसमें वो किसके through आती है? Radioactivity. तो radioactive जो rays होती हैं, radioactivity उनसे जो है energy generate होती है. Generated by radioactivity, rotational and tidal friction and primordial heat from the origin of the earth. उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन, टाइडल फ्रिक्शन एंड प्रीमोर्डियल हीट, प्रीमोर्डियल हीट. तो इनकी वजह से ये जो एनर्जी जनरेट होती है, रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन एंड प्रीमोर्डियल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ. दिस एनर्जी इंट्रोड्यूस्ड, दिस एनर्जी इंड्यूस डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म इन द लिथोस्फेयर ड्यू टू हीट फ्लो कॉज्ड बाय जियोथर्मल ग्रेडियंट. जियोथर्मल ग्रेडियंट का मतलब है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वहां पर जो ताप निकलता, हीट निकलती है. द एक्शन ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेज इज नॉट द सेम एवरीवेयर ड्यू टू वेरिएशन इन जियोथर्मल ग्रेडियंट. तो जो अर्थ होती है उस अर्थ में ये जो एंडोजेनिक फोर्सेज लगते हैं वो सब में सेम नहीं होते. क्यों नहीं होते? बिकॉज द लिथोस्फेयर, देयर इज वेरिएशन इन जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड हीट फ्लो इन द अर्थ इंटीरियर एज वेल एज थिकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द क्रस्ट. तो इस क्रस्ट की जो थिकनेस और स्ट्रांगनेस है उसकी वजह से ये एक जैसे नहीं होते. कॉन्सिक्वेंटली द टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड ओरिजिनल क्रस्टल स्ट्रक्चर इज अनइवन. तो उनका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो भी अनइवन होता है. डायस्ट्रोफिज्म, डायस्ट्रोफिज्म फोर्सेज एक्ट वेरी स्लोली. ये जो फोर्स हैं ये बहुत ही स्लो काम करते हैं. स्लोली देयर इफेक्ट बिकम्स डिस्क्रिनिबल आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एट सच. डायस्ट्रोफिज्म इंक्लूड्स ऑल सच प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट. दे इंक्लूड ऑर्गेनिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग माउंटेन बिल्डिंग थ्रू सेवर फोल्डिंग एंड अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. एपी ऑर्गेनिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग अपलिफ्ट और रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अर्थक्वेक्स इन्वॉल्विंग लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट. प्लेट टेक्टोनिक्स इन्वॉल्विंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ क्रस्टल प्लेट्स. तो इनकी वजह से जो मूवमेंट होता है उनकी वजह से भी ये फोर्स हैं वो जनरेट होते हैं. एपी ऑर्गेनिक फोर्सेज एक्ट ऑन ए कॉन्टिनेंटल स्केल एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग. एपी ऑर्गेनिक फोर्सेस एक्ट ऑन ए कॉन्टिनेंटल स्केल एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग. कॉन्टिनेंट्स के बिल्डिंग में रेस्पॉन्सिबल. द वर्ड एपी ऑर्गेनिटिक इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड एपियर्स,
विच मीन्स कॉन्टिनेंट, अपियर्स का मतलब कॉन्टिनेंट, एंड देयर मे बी सिंपल डिफॉर्मेशन ड्यू टू एपियोजेनी ऑर्गेनिक फोर्सेज एक्ट ऑन द अर्थ्स मेंटल इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड आर कॉल्ड टेंजेंटियल फोर्सेज. फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ द क्रस्ट टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक फॉल्ट एंड फ्रैक्चर. जो रॉक्स टूटती हैं वो इनकी वजह से, जो ऑर्गेनी हैं उनकी वजह से होता है. प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनी, एपी ऑर्गेनी, अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, ऑल दीज प्रोसेस कॉज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेज विच इन टर्न इंड्यूस मेटामॉर्फिज्म ऑफ द रॉक्स. वोल्केनिज्म इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ मैग्मा टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो मोल्टन मटेरियल है अर्थ के सरफेस के नीचे क्रस्ट और मेंटल में, वो मैग्मा जो है उसके फॉर्मेशन ऑफ सेवरल इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक फॉर्म, उसी से वॉल्केनोज जो हैं वो बनते हैं. वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक फॉर्मेशन हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन चैप्टर्स 5. हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि जो वॉल्केनो हैं इरप्ट होते हैं उनकी वजह से भी जो लैंड फॉर्म्स हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, वो बनती हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स विच कॉजेज मूवमेंट ऑफ मैटर डाउन द स्लोप. फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. इसकी वजह से जो स्ट्रेस लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो उससे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स आर जनरेट. Then, this force is produced in a solid by pushing or pulling stress causes deformation. Shear stresses, separating forces act along the face of the earth materials and break them. These forces result in angular displacement or slippage. Molecular stresses are caused by a large number of factors, of which temperature changes, crystallization and melting are very important. Chemical process result in losing of lords between grains, dissolving of soluble mineral or cementing minerals. In this way, stress leads to weathering, mass movements, erosion and deposition of the earth's material. So students, gravitational force is also responsible for the formation of landforms on the surface.